एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रचनाएं भाग 8। इससे पहले मैंने 7 भाग रचनाओं के पढ़ा दिए हैं। सभी भागों में बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और सभी भाग ट्रिक से पढ़ाए हैं। ट्रिक बहुत ज़्यादा सरल है। आप देखना, भागों को खोल के सभी को पढ़ना, बहुत मज़े आएंगे। सारी ट्रिक बहुत अच्छी पढ़ाई हैं। तो अब महादेवी वर्मा की बात करते हैं। इस भाग में सबसे पहले कौन कौन सी रचना है? संध्या गीत, नीरजा, निहारिका, दीपशिखा, यामा, छणदा, रश्मि, गिल्लू, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा है। ये तो हमने रचनाओं के नाम पढ़ लिए। अब ट्रिक समझाते हैं आपको। जैसे आजकल रामायण आ रही है, सीता जी कुटिया में हैं जंगल में, तो जो लड़कियां आती हैं छोटी छोटी, वो क्या कहती हैं बार बार? बोले बंदेवी बंदेवी। तो ऐसे ही अब क्या कहोगे? बोले महादेवी महादेवी। बोले संध्या को गीत का प्रोग्राम है, प्रोग्राम था, बोले जिसमें नीरजा निहारिका दीपशिखा यामा से आई थी। नीरजा निहारिका दीपशिखा किससे आई थी? यामा बाइक से। वहाँ रश्मि भी आई थी, जैसे दो परिवार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बोले वहाँ रश्मि भी आई थी जिसने क्षण भर के लिए गिल्लू को ले लिया, जैसे किसी बच्चे को दूसरे की गोदी से ले लिया, जबकि उन दोनों में क्या है, बातचीत नहीं थी। तो क्षण भर के लिए रश्मि ने गिल्लू को ले लिया। बोले इस पर मेरे परिवार के लोग कहने लगे, बोले भूल गए अतीत में क्या हुआ था, स्मृति ताज़ा करो, ये तो हम लोगों के दुश्मन हैं। तो ये ट्रिक समझ गए? देखो ट्रिक एक बार नीचे पढ़ लो। बोले महादेवी महादेवी, संध्या गीत में नीरजा निहारिका दीपशिखा यामा से आई थी, वहाँ रश्मि भी आई थी जिसने क्षण भर के लिए गिल्लू को ले लिया, इस पर मेरा परिवार के लोग कहने लगे भूल गए अतीत में क्या हुआ था, स्मृति ताजा करो। क्लियर है? तो महादेवी से क्या समझ में आया कि हम महादेवी की रचना पढ़ रहे थे। संध्या गीत से संध्या गीत बन गया, नीरजा से नीरजा बन गया, निहारिका से निहारिका बन गया, दीपशिखा से दीपशिखा बन गया, यामा से यामा बन गया, रश्मि से रश्मि बन गया, क्षण से क्षणदा बन गया, गिल्लू से गिल्लू बन गया, मेरे परिवार से मेरा परिवार बन गया, अतीत से अतीत के चलचित्र बन गया, और स्मृति से स्मृति की रेखाएं बन गया। क्लियर है? अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं की बात कर रहे हैं। चंद्रावती, हमीरहट, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र नाटक, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्णन, अंधेर नगरी, बादशाह दर्पण, वर्षा बिनु। ये तो रचनाओं के नाम पढ़ लिए। अब ट्रिक समझो। जैसे कोई बंदा कह रहा है, बोले चंद्रावती हमारे भारत में सत्य और प्रेम है, अंधेर ही नहीं, क्योंकि बादशाह दर्पण की तरह फैसला करता है वर्षा ऋतु में, बिल्कुल दर्पण की तरह। क्लियर? जो भी है, क्या कहोगे ट्रिक? बोले चंद्रावती हमारे भारत में सत्य और प्रेम है, अंधेर ही नहीं, क्योंकि बादशाह दर्पण की तरह फैसला करता है वर्षा ऋतु में। ये डॉट डॉट में इतना सुनना है आपको। चंद्रावती से क्या बना? चंद्रावती। हमरे से क्या बना? हमीरहट। भारत से क्या बना? भारत दुर्दशा। और भारत हरिश्चंद की, भारतेंदु हरिश्चंद की रचना पढ़ रहे हैं। सत्य से क्या बना? सत्य हरिश्चंद नाटक। प्रेम से क्या बना? प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवण सुवर्णन। अंधेर से क्या बना? अंधेर नगरी। बादशाह दर्पण से क्या बना? बादशाह दर्पण। वर्षा ऋतु से क्या बना? बोले वर्षा विनोद। क्लियर है? अब बात करते हैं बंकिम चंद चटर्जी की। रचना लिखी हुई आनंद मठ, चंद्रशेखर, दुर्गेश नंदिनी, वंदे मातरम, कपाल कुंडला, विषवृक्ष। अब देखो, दो तीन बंदे प्लान करते हैं, बोले यार चलो कहीं बाहर कुछ खाना खा के आते हैं और फिर रास्ते में शॉपिंग करते हुए आ जाएंगे। तो ट्रिक समझो, वो बात कर रहे हैं वापस आके, बोले बाकी चाट अच्छी थी, आनंद आ गया, चंद्रशेखर, दुर्गेश। अब क्या करना है? बोले कुंडल खरीद कर वृक्ष के नीचे वंदे मातरम गाएंगे। ट्रिक समझो, क्या कहोगे? बोले बाकी चाट अच्छी थी, आनंद आ गया, चंद्रशेखर, दुर्गेश। अब क्या करना है? बोले कुंडल खरीद कर वृक्ष के नीचे वंदे मातरम गाएंगे। बाकी चाट अच्छी से क्या बना? बाकी से बना बंकिम। चाट से क्या बना? चटर्जी, मतलब बंकिम चंद चटर्जी की रचना पढ़ रहे हैं। आनंद से क्या बना? आनंद मठ। चंद्रशेखर से क्या बना? चंद्रशेखर। दुर्गेश से क्या बना? दुर्गेश नंदिनी। कुंडल से क्या बना? कपाल कुंडला।
वृक्ष से क्या बना? विश्व वृक्ष। और वंदे मातरम से क्या बना? वंदे मातरम। क्लियर है। आगे बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। रचना क्या है? अनामिका, परिमल, जूही की कली, अलका, कुल्ली भाट, कुकुरमुत्ता, काले कारनामे, लिली और गीतिका। अब ट्रिक समझो, जैसे कुल्ली भाट किसी से कह रहे हैं, बोले कुल्ली भाट, अनामिका, अलका, लिली, गीतिका के काले कारनामे, क्या कहोगे? बोले कुल्ली भाट, अनामिका, अलका, लिली, गीतिका के काले कारनामे, उन्होंने कुकुरमुत्ता को जूही की कली में परिमल खिला दिया, डॉट डॉट में खिला दिया बढ़ाएगा, है ना। क्या कहोगे? बोले कुल्ली भाट, अनामिका, अलका, लिली, गीतिका के काले कारनामे, उन्होंने कुकुरमुत्ता को जूही की कली में परिमल खिला दिया। क्लियर है। आगे बात करते हैं धर्मवीर भारती की। रचना के नाम देखो, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा योग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया। अब ट्रिक समझो, बोले धर्म की रक्षा वीर करते हैं कनुप्रिया। धर्म और वीर से क्या बन गया? धर्मवीर। कनुप्रिया से क्या बने? कनुप्रिया। बोले जब जब भी अंधा योग आएगा, तब तक गुनाहों का देवता सूरज के सातवें घोड़े पर ठंडा लोहा लेकर आएगा। क्या कहोगे? धर्म की रक्षा वीर लोग करते हैं कनुप्रिया। जब जब भी अंधा योग आएगा, तब तक गुनाहों का देवता सूरज के सातवें घोड़े पर ठंडा लोहा लेकर आएगा। तो कनुप्रिया हो गई, अंधा योग हो गए, गुनाहों का देवता हो गया, सूरज का सातवां घोड़ा हो गया, ठंडा लोहा हो गया। दोस्तों बहुत अच्छा पार्ट है ये। अगर आपको मेरा